इरफान खान ऐसी शख्सियत थे जिन्हें पर्दे के साथ साथ लोग असल जीवन में भी बहुत प्यार करते थे। उनका स्वभाव दूसरों को उनकी तरफ आकर्षित करता था, जिससे जुड़े बहुत से किस्से आपने सुने ही होंगे। लेकिन क्या आपने एक आईपीएस ऑफिसर की जुबानी इरफान खान की तारीफ सुनी है? आपको लग सकता है कि भला एक आईपीएस ऑफिसर इरफान खान की तारीफ क्यों करेगा? इरफान खान का एक आईपीएस ऑफिसर से क्या कनेक्शन हो सकता है? लेकिन कनेक्शन है, वो भी बहुत गहरा। दरअसल आईपीएस ऑफिसर हैदर अली जैदी इरफान खान के बचपन के दोस्त हैं और इरफान के निधन की खबर सुन खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए जैदी ने एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसको सुनने के बाद इरफान खान के लिए इज्जत आप सबके मन में और ज्यादा बढ़ जाएगी। हैदर अली जैदी ने बताया कि इरफान और मैं बचपन से ही साथ रहे, स्कूल कॉलेज में साथ पढ़े, साथ खेले, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे, जो हम सभी के लिए दुख का विषय है। मैंने जयपुर से अर्थशास्त्र में एमए किया और इरफान खान ने उर्दू में मास्टर डिग्री ली। एक बार जब हम कॉलेज में थे और घर लौट रहे थे तो रास्ते में मुझे बिजली का करंट लग गया। मैं तड़प रहा था लेकिन वहां से गुजर रहा कोई शख्स मदद को नहीं आया, लेकिन तब इरफान ने मुझे करंट से किसी तरह छुड़ाया था और मेरी जान बचाई थी। भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस ऑफिसर जैदी और इरफान खान की दोस्ती ऐसी थी कि जब इरफान विदेश में अपना इलाज करवा रहे थे तब जैदी उनका हालचाल लेने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए थे। जैदी कहते हैं, इरफान और मैं एक सच्चे दोस्त की तरह काफी समय साथ रहे, लेकिन जब सूचना मिली कि इरफान बेहद बीमार हैं, फिर अचानक इस दुनिया को छोड़कर जाने की सूचना मिली तो विश्वास ही नहीं हुआ। जैदी के मुताबिक दुनिया भर में फैली महामारी की वजह से मैं मुंबई इरफान का हाल जानने नहीं जा सका, जिसका दुख है मुझे। वो बेहद ही अच्छे इंसान थे। जब इंसान आपस में इतना नजदीक होता है तब उसके बारे में दूर रहकर अपने बयान व्यक्त नहीं कर सकते। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जिस इरफान ने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उसे भला किस चीज का मोह कभी रहा होगा? वो तो अच्छा इंसान था, निस्वार्थ सबकी देखभाल करने वाला था, जो अब चला गया और कभी लौटकर नहीं आएगा।